हाय गाइस, 3000 का जो सेगमेंट होता है वो एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट होता है हेडफोन का। ऐसे में आपको सबसे बेहतरीन अगर हेडफोन चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे 5 बेहतरीन हेडफोन्स अवेलेबल है, या फिर TWS आप बता सकते हो, जो कि बेस्ट क्वालिटी के साथ आते हैं। वेल, 3000 रुपया में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है साउंड। बिल्कुल इसी कारण मैंने साउंड को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है इन 5 हेडफोन में से। जिसका साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट है उसको ही मैं फर्स्ट करूंगा। साउंड को देखते हुए मैंने बेस्ट टू वर्स्ट जो हेडफोन है 5 हेडफोन को मैंने चूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप TWS के ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो जरूर इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग Facebook से ये वीडियो देख रहे हो लाइक करके इस पेज को फॉलो जरूर कर देना। टेस्टिंग हो चुका है गाइस, और सबसे पहले नंबर 5 में आता है टोजो ब्रांड की तरफ से आने वाला टोजो T10। आप हेडफोन के दुनिया में जो लोग थोड़े महंगे हेडफोन परचेस करते हैं उनको टोजो ब्रांड का नाम पता ही रहना चाहिए। ये कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है एंड ये लोग प्रीमियम हेडफोन्स वगैरह बनाते हैं, जिनमें सबसे स्पेशल फीचर जो होता है वायरलेस चार्जिंग कनेक्टिविटी। जी हां, आपके पास एप्पल या फिर सैमसंग का अगर इस सीरीज का फोन है तो आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। इस हेडफोन के पीछे में वायरलेस चार्जिंग कनेक्टिविटी मिलता है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, साउंड क्वालिटी सबसे पहला प्रेफरेंस है मेरा। इसी की वजह से इस हेडफोन के अंदर में आपको 8mm का डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है। इसके अंदर ऐप सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है। हमने इसको बहुत दिनों से टेस्टिंग किया। अब 8mm का जो ड्राइवर है उसका साउंड क्वालिटी लिटरली बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। मैंने इसको 100% वॉल्यूम पे सुना और मेरे कान पे चुभता नहीं इसका जो साउंड है। एक मीठा सा साउंड है, और इनके जो इंजीनियर है वो कुछ एक्वास्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आप ऑल्सो ऐप के अंदर इनके 16 प्रीसेट्स मिलते हैं, उसको कनेक्ट करके बेस मोड या फिर क्लासिकल मोड कोई भी आपको प्रीसेट चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट 100% साउंड पे अगर आप इसमें गाना सुनते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलने वाला है। ऐसे में 100% साउंड में जो लाउडनेस है वो उतना ज्यादा नहीं है, एक मीठा सा साउंड मिलता है, और ट्यूनिंग जो है मिड्स और हाई के वो भी बहुत बढ़िया निकल के आते हैं इस हेडफोन का। इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने इसको ऐड किया। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे खास खास फीचर आते हैं, लाइक ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है तो इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक्वास्टिक टेक्नोलॉजी मिलता है टोजो का, जो कि उनके इंजीनियर्स खुद एक एक्वास्टिक पैनल तैयार किया है इस हेडफोन के ऊपर में। इसके अलावा इसके टचेस वगैरह अच्छा है, और इसमें आपको जो राउंड टाइप का शेप है वही डिजाइन मिलता है। बाकी एक खास फीचर है इसका IPX8 रेटिंग। आप पानी के अंदर डुबा कर भी इसको इस्तेमाल कर पाओगे बिकॉज इसमें वाटर प्रूफिकेशन आता है। इसके अलावा ये 48 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ऑन अ सिंगल चार्ज, तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट हेडफोन है। आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ANC का कोई जरूरत नहीं है देन यू कैन चेक टोजो T10, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑलराइट, नंबर 4th में आता है बोट की तरफ से आने वाला निर्वाणा आयन ANC, जो कि अभी के टाइम पे 3000 रुपए के अंदर मिलने वाला वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन भी आप इसको बता सकते हो। अब इस लिस्ट के अंदर इसको रखने के बहुत सारे रीजन है। पहली तो बात यह है इसका बैटरी बैकअप, जो कि इसको सबसे आगे निकाल के देता है। बट जैसे कि बताया, बैटरी बैकअप मैटर नहीं करता है, सबसे पहला प्रेफरेंस होता है साउंड क्वालिटी। इसके अंदर बोट ने दिया है 10mm का डायनामिक ड्राइवर, और ये ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का साउंड इससे निकल के आता है। ऑल्सो आप इसमें ऐप कनेक्ट कर सकते हो, बोट हेयरेबल ऐप का सपोर्ट है। मैं कुछ दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और इसका साउंड क्वालिटी लिटरली मुझे अच्छा लगा। 10mm के ड्राइवर के हिसाब से अगर देखा जाए इसका बेस बहुत अच्छा है। अगर बात किया जाए तो सिमिलर टाइप ऑफ टोजो जो हेडफोन था उसके तरह ही था। 100% साउंड में आप इससे गाना सुन सकते हो, और इसमें भी आपको इक्वलाइजर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर साउंड जो है आप 100% पे सुन सकते हो, आपके कानों में चुभता नहीं है। बेस भी इसका बहुत अच्छा है, एक अच्छा बैलेंस साउंड है इसके अंदर, और इसके इंजीनियर्स जो है बहुत ही अच्छा ट्यून्ड किया है इस ड्राइवर को। 2500 रुपया के अंदर में मुझे लगता है इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बैलेंस्ड है। इसके अलावा इसका और एक खास फीचर है 32 dB का ANC। इसमें ANC मोड भी मैंने ऑन किया, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको ANC चाहिए। बाकी गेमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 60 ms का लो लेटेंसी भी आता है इस हेडफोन के अंदर। IPX4 रेटिंग मिलता है, क्वाड माइक मिलता है, कॉलिंग के टाइम पे भी अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छा किया गया है। ऑल्सो आप इसमें अपना नेम जो है उसको भी लिखा सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा 100 रुपया देना है तो आप बोट के वेबसाइट से इसमें नेम वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें मेटालिक डिजाइन आता है, साइड में बोट लिखा गया है, तो ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। इसमें रीसेट बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। बस एक ही कॉन मुझे लगा कि इसका ड्राइवर साइज 10mm का है, तो साउंड जो है वो थोड़ा सा दब के आता है, उतना हाई लाउड साउंड नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इसको 4th नंबर पे रखा। अगर इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होता तब जाके ये 3rd या फिर 2nd नंबर पे आ सकता था।
दोस्तों वन प्लस नॉट बट टू जो है हमारा थर्ड नंबर पे आता है, और देख सकते हो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग TWS जो है 3000 रुपए के सेगमेंट में आता है। सो इसको भी मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड किया, बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर जो भी फीचर्स आते हैं वो काबिले तारीफ है। पहली तो बात यह है, पिछले वाले जो दो TWS आते थे उनसे इसका ड्राइवर साइज बड़ा है, बिकॉज 12.4 mm के बड़े साइज के लार्ज ड्राइवर इसके अंदर मिल जाते हैं। इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है, बड़े साइज का ड्राइवर है, जो लाउडनेस है वो भी आपको बेटर मिलेगा पिछले दो हेडफोन्स के मुकाबले। ऐप सपोर्ट आपको मिल जाता है इसके साथ, ऐप सपोर्ट करने के बाद आपको अलग अलग प्रीसेट्स वगैरह मिलते हैं। मैंने साउंड क्वालिटी टेस्ट किया, कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसका जो बेस है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसमें भी 100% साउंड पे आप गाना सुन सकते हो, आपका कान फट जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इसमें मीठा सा साउंड आता है, और जो ट्यूनिंग किया गया है इसका हाई लो मिड्स जो है बहुत बढ़िया है, गाना सुनने के लिए मैं प्रेफर करता हूं। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है और 25 dB का ANC मिलता है, जो कि आज के इस लिस्ट के अंदर सबसे बेहतरीन ANC का क्वालिटी है। इसका ANC बहुत बढ़िया है, जब आप कहीं पे जाते हो तब अगर ANC मोड ऑन करते हो ड्यूरिंग ट्रेन पे जाने के वक्त, या फिर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो उस टाइम पे ये ANC बहुत बढ़िया वर्क करता है। 4 माइक मिलता है जो कि कॉलिंग के लिए भी बेस्ट है। एक ही चीज मुझे अच्छा नहीं लगा इस हेडफोन का, जो कि है इसका बैटरी बैकअप। यहाँ पे 36 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है ये जो केस है, टोटल चार्ज अगर आप देते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे जो ऐप कनेक्टिविटी है वहां पर भी मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिला, बिकॉज वन प्लस का ही आपको ऐप चाहिए उसके बाद कनेक्टिविटी करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर आप दूसरे कंपनी का फोन यूज करते हो, लेकिन उसके बाद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे 25 dB का ANC है जो कि बेहतरीन है, और अच्छा क्वालिटी का साउंड भी आपको मिल जाता है, और IP55 रेटिंग के साथ आता है। सो ओवरऑल आप इसको वर्किंग टाइम, जिम के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का फुल्का पानी में भी गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नंबर सेकंड में मैंने जिस हेडफोन को रखा है ये ईडेल की तरफ से आने वाला ईडेल A1 ANC है। अब ईडेल का नाम बहुत सारे लोग ऐसे हैं पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर सर्च करके देख सकते हो। ईडेल जो ब्रांड है ये ऑलरेडी जो हेडफोन का दुनिया है उसमें बहुत सारा नाम कमा चुका है। इसको रखने का एक ही रीजन है, इसका साउंड क्वालिटी। अब साउंड क्वालिटी ही सिर्फ नहीं, इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स आते हैं इंक्लूडिंग ANC। प्राइस इसका 3000 रुपए के अंदर में है, कभी कभी 2500, कभी 2300 रुपया में ये सेल होता है। बहुत ही अच्छा हेडफोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था साउंड क्वालिटी मैटर करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर में जो आपको ड्राइवर्स मिलते हैं वो 13 mm के बड़े साइज के ड्राइवर है। इस सेगमेंट में जो 5 हेडफोन मैंने चूज किए थे सबसे बड़े साइज का ड्राइवर इसके अंदर ही आपको मिलता है। ये ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, और जो ड्राइवर है इसमें बहुत ही बढ़िया ट्यून किया गया है। 100% साउंड पे आप गाना नहीं सुन सकते हो, बहुत ज्यादा लाउड है। लाउड होने के बावजूद भी आप इसमें अगर गाना सुनते हो ऐसा नहीं कि कान में डिस्टॉर्शन सुनाई देंगे, इसका बेस जितना बढ़िया आपको मिल जाता है। ऊपर से इसमें जो ट्यूनिंग है, जो हाई मिड्स और लो है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप गाना सुनने के लिए या फिर किसी को कॉल करने के लिए भी एक हेडफोन ढूंढ रहे हो, इसमें क्वाड माइक भी आपको मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का साउंड आपको मिलेगा। 32 dB का इसके अंदर आपको ANC मिलता है, जैसे कि बताया ट्रैवलिंग टाइम पे, ट्रेन पे सफर करते वक्त आपको ANC का जरूरत पड़ सकता है, और बहुत सारे लोग ANC में गाना भी सुनते हैं, तो उस टाइम पे इसका ANC बहुत बढ़िया काम करता है। बाकी इसमें IPX5 रेटिंग मिलता है, सो वाटर प्रोपेगेशन अवेलेबल। इसके अलावा इसमें आपको 48 आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाता है। साउंड क्वालिटी के मैटर में अगर मैं इस हेडफोन को देखूं तो मैं इसको 10 में आउट ऑफ 8 दूंगा, बिकॉज़ इसका साउंड क्वालिटी मुझे लिटरली बहुत ही बढ़िया लगा है। डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा किया है ईडेल ने, इसके अंदर आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। इसके अलावा इसमें जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक का है, क्रोम फिनिश के साथ आता है। इसमें भी रीसेट बटन अवेलेबल है, और इसमें भी टाइप सी पोर्ट आते हैं। 3000 रुपए के अंदर में इसको भी आप जरूर चेक कर सकते हो। अगर साउंड के लिए सिर्फ आपको प्रेफर चाहिए तो मैं इसको जरूर सजेस्ट करूंगा जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है। बस इसमें एक ही चीज नहीं मिलता, ऐप सपोर्ट नहीं है। नंबर 1 में जो हेडफोन मैंने सजेस्ट किया है वो बोट की तरफ से आने वाला बोट निर्वाणा नेबुला, ये लेटेस्ट लॉन्च है, और इसमें जो जो चीजें आपको मिलता है वो पिछले जो हेडफोन्स हैं उनके मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। इस हेडफोन के अंदर में आपको 11 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं विद ड्यूल कोर प्रोसेसर। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके साथ आता है। इसके अलावा 60 ms का लो लेटेंसी आपको मिल जाता है, और ये हेडफोन 35 dB का ANC भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको ऐप सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट इस प्राइस के अंदर में आपको 6x
माइक्स मिलता है, मतलब 6 माइक का सपोर्ट है इस हेडफोन के अंदर में। कॉलिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन आप इसको बता सकते हो अगर आप कॉल के लिए ढूंढ रहे हो कोई हेडफोन। बाकी इसका जो 11mm का ड्राइवर है वो हाई फाई ऑडियो साउंड लेकर आता है। ऑल्सो दिस हेडफोन कमिंग विद डॉल्बी ऑडियो साउंड, तो आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है, उसके अंदर जाके डॉल्बी मोड या फिर ANC मोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ऐप सपोर्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो देना चाहता हूं इसलिए इंस्टेंट वेक एंड पेयर मिलता है, जो कि पिछले वाले बोट निर्वाणा एंड ANC के अंदर भी था, बट उसमें ड्राइवर साइज और कुछ कुछ चीजों के मामले में पीछे था, इसलिए मैंने उस नंबर 4th में रखा। बट इसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि उसमें मिसिंग था। जो 11mm के ड्राइवर्स है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून किया इन लोगों ने, और जो हाई है वो बहुत बढ़िया है इस हेडफोन का। मैं 100% साउंड पे अगर गाना सुनता हूं तो मैं सुन नहीं पाता हूं, कानों में बहुत ज्यादा चुभ जाता है। आप इसको प्रेफर करता हूं कि 80-90% पे रख के सुनो। जो बेस है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का निकल के आता है। गेम खेलने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, 60 मिलीसेकंड्स का लेटेंसी मिल जाता है इसमें। साउंड बहुत अच्छा ट्यून्ड है, और जो लोग मल्टीमीडिया के लिए ढूंढ रहे हो, आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी चाहिए बोट का, वो भी आपको इसके साथ मिल जाता है। इसमें फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाता है, 50 आवर का प्लेबैक मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज, और फर्स्ट टाइम इसमें ग्लास डिजाइन है जो कि दूसरे कोई कंपनी के हेडफोन में आपको नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम बोट ने ही यहाँ पे ग्लास डिजाइन प्रोवाइड किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके अंदर में जो जो फीचर्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, लाइक 6x माइक बताओ, फास्ट चार्जिंग बताओ, 11mm के डायनामिक ड्राइवर्स विद ड्यूल कोर प्रोसेसर, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट जो कि आपको करीबन 3000 रुपए के आसपास में मिलता है विद 35 dB ANC, जरूर चेक कर सकते हो, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है, और इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे भी रखा है साउंड को देखते हुए। बाकी देखो जो लोग वायरलेस चार्जिंग करना चाहते हो, एक बढ़िया क्वालिटी का हेडफोन चाहिए, तो आप टोजो T10 को भी देख सकते हो। जिनको अपना नेम कस्टमाइज कराना है और बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए, मतलब 120 घंटे तक एक बार चार्ज दोगे फिर देखना ही नहीं पड़ेगा, देन आप निर्वाणा ANC को देख सकते हो। जो लोग OnePlus का फोन इस्तेमाल करते हो उनके लिए मैं जरूर प्रेफर करूंगा OnePlus Nord Bud 2, स्पेशली साउंड क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का साउंड अगर आपको चाहिए, मतलब लार्ज डायनामिक ड्राइवर 13mm के, तो जरूर आप इस ADL के हेडफोन को चेक कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट हेडफोन चाहिए बोट का, एकदम लेटेस्ट है, इसको भी चेक कर सकते हो, नंबर 1 में आता है, और साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सभी हेडफोन्स अपने जगह पर अच्छे अच्छे हैं, आप जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना आपके पास कौन सा हेडफोन है और आप किसको खरीदने के लिए सोच रहे हो। मिलता है दूसरी किसी वीडियो में, ऐसे ही हेडफोन्स के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ऐसे वीडियोस और भी लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।